शौक तो शुरू से ही था, जारी बात अब तो उम्र का एक हिस्सा गुजर गया, लेकिन इंटर डिपार्टमेंटल जैसे मैंने कहा छठा टूर्नामेंट है, पांच प्रीवियसली हो चुके हैं, जिसमें से जो मेरी टीम है एडमिन स्ट्राइकर, जो मेरी टी शर्ट नजर आ रही है आपको, मैं एडमिन बिल्कुल स्ट्राइकर को लीड करता हूँ, कैप्टन हूँ, एज ए कैप्टन खेलता हूँ। तो एडमिन स्ट्राइकर जो है वो पिछले तीन टूर्नामेंट आउट ऑफ फाइव जीत चुकी है और एक टूर्नामेंट में वो रनर अप रही है। तो ये ट्रॉफियाँ उन्हीं टूर्नामेंट जो लाइक उनको एक करती हैं डिस्प्ले, अगर आप दिखाएं पीछे अपने बिल्कुल कैमरे सर, में, तो ये बिल्कुल हमारी वो मतलब विनिंग ट्रॉफीज हैं, रनर ट्रॉफीज है, फिर एक दो मुकाबले और भी होते हैं, हम बाहर जाके भी खेलते हैं एज ए जबरदस्त टीम। तो इंटर डिपार्टमेंटल हॉस्पिटल भी आप दिखाएं जरा, तो ये जबरदस्त। अनफॉर्चुनेटली हम फाइनल हारे थे, अच्छा वेल अच्छा रनर अप टीम थे। तो ठीक है, क्रिकेट ब्लड में है, जाहिर बात है क्रिकेट एक जुनून है पाकिस्तान में भी और हमारे यहाँ भी, और जाकर नेशनल हॉस्पिटल में स्पेशली। तो ये सब क्रिकेट का ही नतीजा है, फिजिकली फिट रहने के लिए जरूरी है एक्सरसाइज और वर्जिश करने का, तो क्रिकेट से अच्छी एक्सरसाइज कोई नहीं है। किसी के होंगे भाई तो किसी के होंगे जान, लेकिन यहाँ पर दीजिएगा जरा ध्यान, क्योंकि सज गया है मैदान दो खतरनाक टीमों के दरमियान। तो आप सबका खुशामदीद, आप सबको खुशामदीद कहते हैं LNHI क्रिकेट मेले के ग्राउंड में। तो दो टीमें आपस में मध्य मुकाबले और सिक्योरिटी पहल कर जो कि पहले ही इनका आगाज कर रही है छह ओवर के खिताब पर। सचा पहुंचने में नाकाम रहे और आसान कैच था यकीनन उसको ड्रॉप करके, और मिस फील्डिंग के बसौरत सूरत चार रन जरूर मिले। यहां पर समी है, अब अगली बॉल फेस करने के लिए है तैयार। बॉलर आए, अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की बैट्समैन को समी ने उठा दिया, ऑफ साइड, ऑफ की साइड, ऑफ की साइड, एक बेहतरीन शॉट था जिसे सीधा छह रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दिया। एक अच्छा बुलंद वाला शॉट था, छह रन जरूर हासिल हुए। दो बॉलों पर 10 रन, दो बॉलों पर 10 रन जरूरी है तो तीसरी बॉल कराने के लिए तैयार। काफी कंफ्यूज होंगे बॉलर जरूर, क्योंकि अब तीसरी बॉल आई एम्पायर ने फेस किया, इस दफा ग्राउंड शॉट के लिए है, आउट होने का खतरा और बॉल का इशारा देता है और एम्पायर फील्डर इस दफा उठा दिया है, फील्डर है मौजूद, कैचर होने का खतरा, एक का बड़ा झटका अगेन सिक्योरिटी फैल्कन को, उनके प्लेयर्स क्रीज पर आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं कि तू चल में आया, यही सूरत है यहां पर। लेकिन नहीं नहीं नहीं, जहां पर बनना चाहिए था एक रन, वहां पर बन गए 3 रन। को मजीद महदूद कर पाते कि नहीं, लेकिन इस दफा और अच्छी डिलीवरी थी और बीट हो गए खेलने में, लेकिन इस दफा आउट करने की कोशिश में ओवर थ्रो हो गया जिसके हो गए हैं। तो नदीम अपने स्ट्राइक पर मौजूद, नए बैट्समैन है उनका सामना करेंगे, इस दफा अगेन सेम डिलीवरी। और तो सब ओपनिंग करने के लिए आए थे फैसल रहमान और असगर। फैसल अच्छी बैटिंग की, 6 बॉलों पर 10 रन बनाने के बाद आउट हुए और कैप्टन असगर बेहतरीन इनिंग्स खेले हैं, अच्छी इनिंग अकेली 1 एंड 1 में नाम भी शो किया है यहाँ पर इन्होंने। 22 बॉलों पर 47 रन बनाए हैं। नहीं माशाल्लाह, लास्ट टाइम इन्होंने काफ़ी गलतियां की थी, स्पेशल बॉलर की वजह से वाइड बॉल बहुत ज़्यादा दिया, जिसकी वजह से एक मेरे ख्याल में जीता हुआ मैच हम आ रहे हैं।
तो इंशाल्लाह अल्लाह ने किया तो आज का इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है। तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि आज बॉलर अपना जितना भी है फुल स्पोर्ट से फुल अपने खेलेंगे तरीके से और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। जीत हार गेम में होती है लेकिन होपफुली अच्छा मैच होगा, उम्मीद है मुझे। आज का मैच जो है आपके ख्याल में कैसा रहा? नहीं, मैच अच्छा है, हमारी टीम ने अच्छा स्कोर किया, बैटिंग परफॉर्मेंस तो वेल एंड गुड, इसमें कुछ नहीं डाउट है, स्कोर अच्छा किया हमने, फाइटिंग टोटल है। इंशाल्लाह अगर बॉलिंग साइड भी हमारी परफॉर्म कर गई तो हम इंशाल्लाह एडमन को पूरी कोशिश करेंगे कि 90 रन के अंदर रोकें, क्योंकि पिछली मरतबा जो है वो परफॉर्मेंस बहुत जो कैप्टन टीम के जो कैप्टन है वो बहुत डिसहार्ड थे। देखिए बात ये है कि कैप्टन तो डिसहार्ड इसलिए हो जाता है कि बैट्समैन उसको परफॉर्म नहीं कर रहा है उसकी टीम में, तो बैट्समैन की वजह से डिसहार्टेड था, लेकिन गेम है, ये तो पार्ट ऑफ गेम है, कोई हारेगा तो कोई जीतेगा। लेकिन मसला सिर्फ यहाँ ये है कि हमने लास्ट मैच में भी सिर्फ अनफॉर्चुनेटली हमारे दो ओवर गलत हुए लास्ट के, वरना हम तकरीबन ऑलमोस्ट हम विनिंग स्टैंडर्ड पर खड़े हुए थे, लेकिन लास्ट ओवर और सेकेंड लास्ट ओवर हमारा चला गया, थोड़ा सा बैड लक हो गई, इसकी वजह से हम लूज़ कर गए, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे वो गलतियाँ रिपीट ना करें। अस्सलाम वालेकुम जी, आज बड़ा अहम मैच है हमारा, जो दो मशहूर टीमें लियाकत नेशनल की एडमिन स्ट्राइकर जो कि 3 दफ़ा चैम्पियन भी है और उसका मुकाबला बहुत ही एनर्जेटिक और फिटनेस से भरपूर सिक्योरिटी 11 से है, और आज जो बड़ा टारगेट दिया है सिक्योरिटी 11 ने 90 रन 8 ओवर में बहुत ज़्यादा है, अगर दो ओवर अच्छे हो गए तो ज़रूर इसमें मुश्किल होंगी, लेकिन क्रिकेट जी हर रोज़ की, जिस दिन जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, तो मुझे उम्मीद है कि लोगों को अच्छी क्रिकेट लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में देखने को मिलेगी। थैंक यू। आज का मैच एडमिन स्ट्राइकर और सिक्योरिटी फैल्कन के दरमियान खेला जा रहा है, और बेसिकली अब जिस ट्रेंड पर ये राउंड मौजूद है यहाँ पे बेसिकली रन रेट के ऊपर हो रहा है, दोनों टीमें भरपूर कोशिश कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रन रेट बनाएँ और आगे प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकें। बहुत शुक्रिया। आज बड़ा अहम मैच है, यहाँ एडमिन का आज मैच हो रहा है, और अगर आज एडमिन की टीम खुदा ना खास्ता हारती है तो फिर टूर्नामेंट में इसको रहना बड़ा मुश्किल होगा, तो अभी 90 का टारगेट मिला है, उम्मीद है कि आज एडमिन की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और नेक्स्ट राउंड में चली जाएगी, तो मैच जारी है, बाकी हमारी नेक ख्वाहिशात अपनी एडमिन की टीम के साथ हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह एडमिन की टीम आज फतेह होगी इंशाल्लाह। होता है आज का बेहतरीन मुकाबला हमारा एडमन और सिक्योरिटी के दरमियान है, बहुत अच्छा सिस्टम मैच जारी है, 89 रन का टारगेट दिया है सिक्योरिटी ने एडमन को, तो देखें एडमन अभी चेस करती है कि नहीं, एडमन की बैटिंग लाइन बहुत अच्छी बैटिंग लाइन है, इसके बाद बहुत अच्छे और मंझे हुए प्लेयर हैं, एडमन स्ट्राइकर एक मजबूत टीम है और यहाँ की 2000 यहाँ की अच्छी टीमों में शुमार इनका होता है। फिनिश करना होगा अपनी टीम के लिए, बाप है समीर सपा उठा दिया है गेंद बाउंड्री लाइन के पास, गोल काटे सीमा पार 6 रन के लिए, एक बुलंद वाला छक्का, बुलंद वाला सिक्स है ये का, कि अगर बात की जाए कि शायद आफरीदी के 157 मीटर की तो शायद ही ये उसके करीब हो, वो कम है क्योंकि अपना गेरा है इस दफा उठा करके ले है, लेकिन वहां पर फील्डर है मौजूद, सेफली लैंड कर गई बॉल और एक ही रन बन सका। अपनी सारी कसर सिद्दीक इसी में निकाल रहे हैं और शायद वो मैच को जल्द अज जल्द फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। फैसला बाग आएंगे, एक दफा बॉल कराई और इस दफा खेल दिया है सीधा कवर की जाने पर, अच्छा अच्छी जस्ट 5 रन्स, दे आर जस्ट फार अवे फ्रॉम द वन हिट ऑफ अली कुरैशी, नाउ क्रॉस बार दिस शॉट, अली कुरैशी फिनिश द मैच इन द स्टाइल इज लाइक एमएस धोनी, इज लाइक विन हार्ट बाय द हिट बाय हिटिंग जस्ट द सिक्स। बहुत ही अच्छा मुकाबला था दोनों टीम्स के दरमियान, सिक्योरिटी फैल्कन आपका भी बहुत शुक्रिया भाई, सेवनी का आगाज किया जाए और इस मैच के आज तो इधर भी अच्छा खेला वैसे, सिक्योरिटी ने अच्छा खेला, रिवॉर्ड दिया जाए यहाँ तक, मुझे लगा इस हारने की जो वजह थी वो
सिक्योरिटी फील्ड सिक्योरिटी फाल्कन की अपनी फील्डिंग थी कि जिस तरीके से उन्होंने फील्ड की देट वॉज सो रबिश, बहुत स्लगिश फील्डिंग थी इनकी, क्योंकि अगर वो कैचेस पकड़ लेते और बाउंड्रीज को सिक्योर कर पाते तो शायद शायद कहीं ना कहीं वो इस मैच को विन कर पाते या एक फाइट कर पाते अच्छी तरीके से, जिस तरीके से वो ये मैच वन साइडेड हार गए। बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बात ये है कि जो फिजरती की शेयर थी ना उसकी अच्छी फील्डिंग कर रहे थे ये, और कमसल इनकी जो भाग दौड़ थी वो एक बहुत ही रिमार्केबल थी। इस एज के अंदर मैं डॉक्टर वरीम साहब से बात कर रहा था कि ये बड़ी खूबसूरती है कि क्रिकेट की जितनी मेहनत ये कर रहे थे इस एज के अंदर, इसमें कुछ लोग जो है काफ़ी सीनियर हैं और बेहतरीन आप लोगों की जो असर है वो काफ़ी है, लेकिन बात हार नहीं थी, वैसी बात है जीते हुए हारेगा। तो जो इंटरेस्ट मैं फैसल एच आर से जो है हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम के हैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ऐलान करें कि आज के मैन ऑफ द मैच कौन है। आई फैसल इनका उम्र की नहीं कला मैन ऑफ द मैच क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए डॉक्टर हारून से कहूँगा जी कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी और कुछ हमें बताएं। शुक्रिया, सिक्योरिटी टीम दो मैच हारी थी तो मुझे था अंदाजा कि इस दफ़ा वो फाइट देंगे, तो पहले तो अंडरस्टैंडमेंट कर चुका था इनका कि अजहर ने जो शुरू की सक्सेसफुल थी, लेकिन अलहमदिल्ला जो टारगेट हमने रखा था अपने जहन में 80-85 का रखा था, 90-89 की उन्होंने विदिन का टारगेट ही थे, और फिर मेरी कोशिश थी कि मैं 6 ओवर्स में ये मुकम्मल करवाऊँ, तो खैर लड़के बहुत अच्छा खेले, बैट्समैन एक दो बैट्समैन थोड़े लूज थे मेरे, आज तबियत ठीक भी थी मेरी, 11 में जो दो लड़के थे बीमार भी थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी ओवरऑल, और जो हमने प्री गेम जो प्लानिंग की थी उसमें सक्सेस तो जी आप सब तशरीफ लाइएगा, कल भी एक बहुत ही ज़बरदस्त मैच है, बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू।